जनपद संभल के चंदोसी के बनियाखेड़ा विकास खंड के ग्राम गुमथल में समाजवादी चौपाल का आयोजन किया गया। जनपद संभल के चंदोसी में आज समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव किशन मुरारी शंखधार और वरिष्ठ सपा नेता सतीश प्रेमी की मौजूदगी में बनियाखेड़ा विकास खंड के ग्राम पंचायत गुमथल में समाजवादी पार्टी की चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों से संपर्क करके उन्हें केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून के विरोध में जागरूक किया गया तथा उन्हें अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी भी दी गयी। आज हमने यहाँ पर समाजवादी किसान चौपाल लगाने का काम किया है और किसानों से, महिलाओं से जनसंपर्क भी किया। हम चाहते हैं ये गूंगी बहरी सरकार जो प्रदेश में और देश में स्थापित है, न तो किसानों की बात सुन रही है, ना गरीबों की, ना पिछड़ों की, ना दलितों की। जितने जुल्म जास्ती पिछड़ों पे हुई है, दलितों पे हुई है, लगातार चिन्हित करके जातिवार अत्याचार किए जा रहे हैं, मर्डर किए जा रहे हैं। कल भी लखनऊ में एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की हत्या हुई, अभी कुछ दिन पहले प्रजापति समाज के व्यक्ति की हत्या हुई। लगातार जुल्म जास्ती कर रही सरकार, लेकिन ना तो सरकार सुनती है, न्याय का कानून है ही नहीं, कोई कानून व्यवस्था यहाँ ध्वस्त है। उसी के संदर्भ में आज हमने अखिलेश यादव जी सरकार की जो उपलब्धियाँ थी किसानों को बताने का काम किया है और ये आह्वान भी किया है कि गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। जब तक अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनते, जब तक प्रदेश में गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की सरकार नहीं आ सकती, हम इस सब जन किसान को जागरूक करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए निकले हैं। ये जागरूक सप्ताह के रूप में हम लेके चल रहे हैं। आने वाले समय माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जो 25 तारीख को किसान चौपाल लगाने का काम किया है, उसे भी चौपाल लगाने का काम करेंगे, लेकिन ये संपर्क हम लगातार जारी रखेंगे जब तक भाई सरकार प्रदेश और देश से उखड़ नहीं जाती। देखिए, हमारा 7 तारीख से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर किसान यात्रा चल रही थी। हमारे जिले में सभी जगह कार्यक्रम थे, उसी क्रम में वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी जी यहाँ से प्रत्याशी भी रहे हैं, इनके कार्यक्रम लगे हुए थे। उसी कार्यक्रम के तहत हमें अभी लखनऊ से हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 25 तारीख को गांव-गांव जाकर संगठन के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि गांव-गांव चौपाल लगाने का कार्यक्रम करेंगे। जैसा कि सबको पता है कि मोदी सरकार ने जो 3 किसान बिल पास किए थे, उन किसान बिलों का विरोध कर रहे हैं लगभग 80 लाख किसान वहाँ पड़े हुए हैं और वहाँ 20 से 25 किसानों की मृत्यु हो गई, ऐसी ठंड में किसान पड़े हैं वहाँ। हम लोगों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गांव-गांव किसानों को जाकर आप आग्रह करिए, ये हमारा कोई व्यक्तिगत समाजवादी पार्टी का नहीं, सभी किसान भाइयों का मामला है। ये किसान भाई किसी से भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन चूँकि ये किसानों की बात थी, उन किसान भाइयों की बात जो दिल्ली बॉर्डर पर हैं, उनके तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने किसानों के बीच जनसंपर्क किया है और आने वाले किसान दिवस को भी हम किसानों को जनसंपर्क संपर्क के रूप में और संदेश देंगे चौधरी चरण सिंह जी का। और 25 तारीख को जो हमारी चौपाल लगेंगी, वो गांव-गांव में हमारे जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता जाएंगे और किसानों को इन तीनों बिलों के बारे में, जो MSP खत्म करना चाहते हैं, मंडियाँ खत्म करना चाहते हैं, जो एक भंडार की एक सीमित मात्रा थी रखने की सरकार द्वारा, उसे खत्म करना चाहते हैं। इसका एक साक्षात उदाहरण देता हूं आपको। अभी कोरोना टाइम में जो मोदी जी ने 5-5 किलो गेहूं और चना बांटने का काम किया था गरीबों को, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जब अडानी अंबानी के गोदाम भर दिए जाएंगे तो क्या वो जनता को ये उपलब्ध करा पाएंगे? क्योंकि ये भंडार सरकार के पास था, तो आपत्ति काल में, आपदा के समय में जनता के काम आया। इसलिए हम तीनों मांगों का विरोध करते हैं और सरकार से, गूंगी बहरी सरकार से कहते हैं कि किसान भाइयों की बात को सुने। और इसी के साथ हम आने वाले समय में लगातार इस कार्यक्रम को निरंतर जारी रखेंगे।